हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बोन स्कैन के बारे में देखेंगे। इसमें हम रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस को इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें बोन एक्टिविटी डिटेक्ट होती है। एग्जांपल में हमें दिया गया है टेक्नीशियम 99। अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का जो अपटेक है वो इंक्रीज हो रहा है सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो वहाँ पर बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी है, और अगर अपटेक डिक्रीज हो रहा है तो बोन डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी है। बोन स्कैन की प्रोसेस में 3 फेजेज होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लो फेज, सेकेंड है ब्लड पुल फेज, और लास्ट वन इज डिलेड फेज। जब हम IV इंजेक्शन देंगे सब्सटेंस का तो फ्लो फेज जो है वो 60 सेकेंड्स के बाद स्टार्ट होगा और 2 to 5 मिनट्स तक रहेगा, और सब्सटेंस जो है वो एरिया में सर्कुलेट होगा। ब्लड पुल फेज जो है वो 5 मिनट्स के बाद स्टार्ट होगा, और डिलेड फेज जो है वो 2 to 4 आवर्स के बाद स्टार्ट होगा। डिलेड फेज स्कैन जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है सेल्यूलाइटिस को ऑस्टियोमाइलाइटिस से। यूजेज, इसमें हम ये देखेंगे कि बोन में प्राइमरी ट्यूमर है या नहीं, ट्यूमर कौन से स्टेज में है, अगर हम कीमोथेरापी या फिर तो रेडिएशन थेरापी दे रहे हैं तो उसका रिस्पांस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने में यूजफुल होता है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम में पेशेंट को आर्म्स और लेग में क्रॉनिक पेन होगा, इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, लेकिन ये सिंड्रोम जो है वो इंजरी, सर्जरी, स्ट्रोक या फिर तो हार्ट अटैक के बाद डेवलप होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर और मेटाबॉलिक बोन डिसीज में हम बोन स्कैन का यूज करते हैं।